हम लोग देखते हैं बट हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पसंद है बिग बॉस। हम बस सलमान खान के लिए थोड़ा बहुत देखते हैं और कुछ नहीं। बस वही तो एंजॉयमेंट होता है सलमान खान को देखने के लिए, तो लोग बिग बॉस देखते हैं। प्लस वो किस तरीके से सबको मोटिवेट करते हैं घर में, लड़ाइयाँ वगैरह सब कुछ। नहीं, हम लोग को स्प्लिट्सविला पसंद है और हम लोग को लव स्कूल पसंद है बस। मैं तो सिर्फ सैटरडे संडे देखता हूँ जब सलमान खान आते हैं, बाकी मंडे टू फ्राइडे तो मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि हम सबको पता है सलमान खान कितना अच्छा एक्टर है, सबके हीरोज है वो, तो वी लव सलमान खान ओनली। आपके हिसाब से फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस बार? श्रीकांत। श्रीकांत बिल्कुल जी, किसको विन होना चाहिए? श्रीकांत को ही विन होना चाहिए। हम एवरीडे शो के टाइम निकल आते हैं और हमको कभी भी कुछ भी होता है, कहीं पे भी होते हैं, तो तुरंत वो शो के लिए निकल पड़ना है। जो भी है इतना एक्साइटमेंट होता है कि वो शो चालू होना ही वही जरूरी होता है कि भाई नहीं, हमको शो में मज़ा आना चाहिए। और बहुत मज़ा आ रहा है उनका शो देखने से, ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं एक्सपर्ट में अपने को एक्साइटमेंट आगे बढ़ रहा है अपना, कि यार अपने कुछ इंप्रूवमेंट आना चाहिए। क्या मैं सोच एवरीडे न्यू के कल क्या सस्पेंस होगा, वही मींस देखने में जो रहता है ना, वही टू मच एक्साइटेड। क्या रिजल्ट निकलता है वो देखने में बहुत मजा आता है कि एक से बढ़कर एक मिलते हैं वहाँ पे। इस बार डिफरेंट डिफरेंट जोड़ी। एग्जैक्टली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वही कि अब तक तो सिंगल थे बट अभी डिफरेंट जोड़ीज में आ रहे, सो वो एक्साइटमेंट और भी ज्यादा है। तो आपके आपके हिसाब से आपका फेवरेट जोड़ी कौन सा, कौन लगा आपको? श्रीकांत इसमें वो क्रिकेटर भी है, श्रीशांत है और करण वोरा है। डिफरेंट करण वोरा, इट वाज वंडरफुल, उनका तो बहुत बढ़िया, करण वोरा का तो बहुत अच्छा है। और जब जब वीकेंड पे वीकेंड का वार आता है, सलमान आते हैं, सेलिब्रिटी का तो बोलना ही नहीं, सलमान सलमान खान को बहुत बहुत है। एक आवाज सुनने के लिए हम लोग ऐसे भी हमारे जैसे कहीं से भी आते हैं तो हमको तुरंत बोलते हाँ ये सलमान, अरे इनका बंगला यहीं पे। हम लोग इट वाज इतना क्रेजी हो जाता है कि उनके पीछे के वो आएंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। आफ्टर वीकेंड तो मीन्स आफ्टर वीकेंड जब जब मंडे को ऑफिस जाते हैं तभी तो फर्स्ट हाफ एन आवर तो वही बिग बॉस का ही मीन्स चर्चा रहते है कि क्या हुआ है क्या नहीं वैसे करके। और एकदम सक्सेसफुल शो है ये, बहुत अच्छा है कि लाइफ में हर एक ना कहीं ऐसा होता है कि हम क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पे, हमको उनको देखने के लिए बहुत ये हो रहा है। तो इस बार बॉलीवुड में दो बड़ी बड़ी